कोरोना महामारी थमने का नाम नहीं ले रही है। पूरी दुनिया में अभी भी कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। दुनिया के कई देश कोरोना वैक्सीन पर दिन रात काम कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द इस महामारी का समाधान निकाला जा सके। अमेरिका भी कोरोना वायरस की वजह से काफी प्रभावित हुआ है। अमेरिका में भी कोरोना वैक्सीन पर तेजी से काम किया जा रहा है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वैक्सीन को लेकर एक नई घोषणा की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जैसे ही वैक्सीन को मंजूरी दी जाती है, प्रशासन इसे तुरंत अमेरिकी लोगों तक पहुंचाएगा। हर महीने लाखों की खुराक उपलब्ध होगी और हमें अप्रैल तक हर अमेरिकी के लिए पर्याप्त टीके होने की उम्मीद है। ट्रंप ने कहा कि वैक्सीन का विकास हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और हम बड़ी सफलता के साथ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अमेरिका के शानदार डॉक्टर और वैज्ञानिक एक कोरोना वैक्सीन का निर्माण करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं और 3 वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल के अंतिम चरण में है। ट्रंप ने आगे कहा कि सभी वैक्सीन उम्मीदवार सुरक्षा पर भारी जोर देने के साथ क्लिनिकल ट्रायल के सभी मानकों का पालन कर रहे हैं। वैक्सीन पर काम अब काफी तेजी से हो रहा है। सबसे बेहतर वैक्सीन उम्मीदवार इनकी मैन्युफैक्चरिंग एडवांस में कर रहे हैं। जैसे ही वैक्सीन को परमिशन मिल जाएगी तो इसे 24 घंटों के भीतर वितरित किया जाएगा। आपको ये खबर कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही कोरोना वायरस की वैक्सीन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।